व्यूअर्स, आज की वीडियो में किंजा और मैं अली शेख आपको लेकर चलते हैं कराची में मज़ार कायद, एम एच इना रोड, इम्प्रेस मार्केट, सदर मोबाइल मार्केट, बंस रोड। आपको दिखाते हैं ओल्ड कराची की कदीम इमारतों के जंगल में मुगलई खानों की भीनी भीनी खुशबुएं और दिलपसंद लज्जतें और स्ट्रीट आर्ट। तो आइए चलते हैं साथ और डिस्कवर करते हैं कराची के कुछ और नए रंग। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किंजा और मैं एमएजिना रोड पर अम्मा टावर पर पहुंच गए हैं। अम्मा टावर के सामने जेबुनसा स्ट्रीट की नुक्कड़ पे ईरानी होटल के साइड में मौजूद समोसे वाले का ये स्टॉल बहुत पुराना है। इनके समोसे बहुत कड़क और चने आलू की चटनी के साथ पुदीने का तुर्श रायता समोसों को मुनफरद और लजीज बना देता है। छोटी सी स्टील की प्लेट में अल्मोनियम के चम्मच से समोसे के टुकड़े तोड़कर चटनी के साथ मिलाकर खाने में मजा आ जाता है। ये साहब जुमा बिरयानी के 4 थाल हासिल कर चुके हैं और एक व्लॉगर ने उस कामयाबी पर उन साहब से इंटरव्यू करना शुरू कर दिया है। आइए आपको दिखाऊं कि कैसे सिर्फ जुमे के दिन बिकने वाली इस बिरयानी वाले को यूट्यूबर्स ने ऐसी शोहरत दवाम अता की है कि लोग इस बिरयानी को हासिल करने के लिए टूट पड़ रहे हैं। ये है कराची की एक और लजीज और मसालेदार बिरयानी। अभी हम मोबाइल मार्केट में अपने एक मोबाइल फोन के लिए नई बैटरी लेने के लिए घूम रहे हैं। ये मोबाइल मार्केट कराची का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है। का लोकेशन भी जेबुनसा स्ट्रीट है। इम्प्रेस मार्केट की इमारत 1889 में मुकम्मल हुई। इस इमारत को ब्रिटिश क्वीन इम्प्रेस विक्टोरिया के नाम से मंसूब किया गया। इस इमारत के नीचे 1857 के गदर की आज़ादी के बेशुमार सिपाही मदफून हैं जिनको ब्रिटिश रूल में अंग्रेज़ों ने फांसी चढ़ाया था और इसी जगह दफन भी किया गया था और उनके ऊपर ये इमारत तामीर की गई। इम्प्रेस मार्केट में आपको ग्रोसरी, ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस और दीगर बेशुमार घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें बासानी मिल जाएंगी।
इम्प्रेस मार्केट कराची की एक काबिले दीद इमारत है। ये ईदू जी डेंशा चिटर जी डिस्पेंसरी की इमारत है। ये है कैंटीन, डेंशा चिटर जी। ये मज़ार इकायत के पार्क में मौजूद कैंटीन है। आइए आपको मज़ार इकायत की सैर कराते हैं। बाबा कौम को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज भी बेशुमार लोग यहाँ आए हुए हैं। मज़ार इकायत के तरफ बेहद खूबसूरत और हरा भरा पार्क मौजूद है, जिसमें बेशुमार मार्बल के छोटे छोटे पुल मौजूद हैं।
ही हम बंस रोड पहुंच गए हैं। यहां हर तरफ कदीम इमारतें खड़ी नज़र आती हैं जिनकी मुनासिब देखभाल नहीं की गई। ये इमारतें और इनके मकीन खस्ता हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शाहकार बनाए गए हैं जिनमें मशहूर सरकार का टच नुमाया तौर पर देखा जा सकता है।